क्या आपके घर में बिना बात के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं? घर में बहुत नेगेटिविटी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको और आपके परिवार वालों को किसी की बुरी नजर लग गई है? तो आज का ये एपिसोड आपके लिए है। हाय, मैं लीना निगम, अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों के घर में बिना बात के झगड़े और बहुत नेगेटिविटी, कला कलेश होते हैं और लोगों की आपस में घर में नहीं बन रही होती। और कुछ घरों में ऐसा देखा गया है कि उन लोगों को लगता है कि उनको और उनके परिवार वालों को किसी की बुरी नज़र लग जाती है। इस एपिसोड में मैं आपको वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनसे आप इन सारी समस्याओं को अपने आप से दूर कर सकते हैं। टिप नंबर 1, नमक के पोचे। मैंने अक्सर देखा है कि ये चीज़ सबको पता है कि नमक के पोचे, सेंधा नमक के पोचे घर में लगाने चाहिए, लेकिन सेंधा नमक का पोचा कभी भी थर्सडे को नहीं लगाना दोस्तों। प्लस नमक जो है अच्छा है, नेगेटिविटी दूर करता है, मगर आपकी पॉजिटिव एनर्जीज को भी साथ में ले जाता है। तो इसलिए नमक के पोचे आपको रोज़ नहीं लगाने, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको महीने में दो बार ही लगाएं। टिप नंबर 2, सबसे इजी और सरल उपाय, मोर पंख। मोर पंख आप अपने घर में लगा लीजिए ड्राइंग रूम में एंट्रेंस करते ही, या अपने घर के नॉर्थ में, तो आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाएगी। मोर पंख जहाँ भी आप लगाएंगे उस जगह की एनर्जीज अपने आप बढ़ जाती है। टिप नंबर 3, अगर आपके घर में कोई अनहोनी घटना घट गई है या आपके आसपास घट गई है और आपको बहुत डर लग रहा है, तो आप अपने घर में गोमूत्र छिड़क सकते हैं, नहीं तो गोमूत्र को अपने पोचे में डाल सकते हैं और उस नेगेटिविटी को दूर हटा सकते हैं। टिप नंबर 4, जिन लोगों की भी एंट्रेंस नॉर्थ में N1 की आ रही है, ऐसे लोग दूसरों की नेगेटिविटी बहुत जल्दी कैच करते हैं। और N2 की एंट्री अगर आपकी आ रही है, वो भी नॉर्थ में आती है, तो ऐसे लोगों को हमेशा ये लगता है कि उनको उनके अड़ोस पड़ोस के लोग हमेशा नज़र लगाते हैं। तो इसका ये उपाय है कि आप अपने घर की एंट्री पे ब्लू टेप लगा लीजिए या एल्युमिनियम की स्ट्रिप लगा लीजिए, तो ये आपका जो नज़र दोष है ट्रीट हो जाएगा, प्लस बाकी के मेरे उपाय आप फॉलो करिए। टिप नंबर 5, अगर आप कोई नया घर लेने जा रहे हैं तो ये सुनिश्चित करिए कि आपके घर में सूरज की रोशनी जरूर आए। सूरज की रोशनी हमारे घर की सारी नेगेटिविटी को दूर कर देती है। जहाँ सूरज नहीं आता वहाँ राहु एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ नेगेटिविटी अपने आप पैर पसार लेती है। टिप नंबर 6, अगर आपके घर के किसी भी कमरे में धूप की रोशनी नहीं आती, वो घर आपका बैक साइड पे पड़ता है या आपका वो बेसमेंट है जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आती, तो वहाँ पे आप हमेशा लाइट जला के रखिए, तो वो नेगेटिविटी को दूर रखेगा। टिप नंबर 7, अगर आपके घर में कहीं पे अंधेरा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका घर बैक साइड पे कोई रूम पड़ रहा है या बेसमेंट है जहाँ पे सूरज की डायरेक्ट रोशनी नहीं आ पा रही है, तो आप एक बड़ा दिया जो हम दिवाली पे जैसे लेते हैं मिट्टी का बड़ा दिया लेकर के, उसमें थोड़ा सा उपला डालेंगे, 2-3 कपूर डालेंगे, साथ में उसमें गूगल और लोबान थोड़ा सा रोज जला के उस जगह को धुनी दे देंगे, तो उससे भी आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। दोस्तों, मेरे ये आसान टिप्स को आप अपनाइए, इनको अपनाने से आपको खुद अपनी लाइफ में डिफरेंस महसूस होगा, आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएगी और आपके घर में बहुत खुशहाली आएगी। अगर आपकी कोई और क्वेरीज भी हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हर जिंदगी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।